वेलकम टू जैक्सन पापड़ मशीन। दोस्तों, खिचिया पापड़ को मशीन से किस तरह से आसानी से बनाया जाता है आज हम आपको बताएंगे। ये जो प्लास्टिक है इसमें ही ऑटोमेटिक खिचिया पापड़ बन के आ जाएंगे। ये जैक्सन की खिचिया मशीन में इसी तरह से खिचिया पापड़ ऑटोमेटिक प्लास्टिक पे आ जाएंगे। ये मशीन को चलाने के लिए एकदम कम लोगों की जरूरत पड़ती है। ये मशीन को आप घर में आसानी से चला सकते हैं। ये मशीन जो आप देख रहे हैं अभी घर में ही चल रहा है। इसमें जो खिचिया पापड़ का जो साइड का कटिंग है जिसको कतरन बोलते हैं वो ऑटोमेटिक ही पीछे चला जाएगा और जो खिचिया पापड़ का आटा आ रहा है उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ये जो मशीन आप देख रहे हैं वो ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें लाइट बिल भी बहुत कम आता है। ये सिंगल फेस पे चलती है। आप घर में आराम से चला सकते हो। घर में अधिक पावर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। ये जो मशीन में आपको थिकनेस जितना मोटा या पतला करना है वो आप कर सकते हो। मशीन में इस तरह से पीछे से खिचिए को रख देना है। मशीन ऑटोमेटिक बेल के ऑटोमेटिक कल्ट करके आपको खिचिया पापड़ दे देंगे और डायरेक्ट पन्नी पे आ जाने की वजह से आपको एक एक खिचिया पापड़ उठाना भी नहीं पड़ेगा और आपका एकदम कीमती समय भी बचेगा। ये जो आपको खिचिया पापड़ देख रहे हो ये 1 किलो में 100 पापड़ बनते हैं। इसको आपको कम या ज्यादा निकालना है तो भी मशीन के अंदर सेटिंग दिया हुआ है। इसके अंदर आप ढेर सारे पापड़ की वैरायटीज बना सकते हो, जैसे कि रागी के, चावल के, उड़द के, चना दाल के, मतलब सभी टाइप के दाल के और बहुत सारे पापड़ आप अलग अलग वैरायटीज के बना सकते हैं। और हाँ, इसमें आप खिचिया पापड़ की सब साइज आप बना सकते हैं। छोटे पापड़ भी बना सकते हैं, बड़े पापड़ भी बना सकते हैं। जो भी साइज आपको चाहिए वो जैक्सन मशीन से आपको मिल जाएगा। मशीन एकदम साइलेंट चलती है। घर में रखने से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैक्सन मशीन से आपको इससे छोटा मशीन या इससे बड़ा मशीन चाहिए तो भी मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करिए और इंक्वायरी करिए और ज्यादा जानकारी पाइए। धन्यवाद।